अगस्त 2024 में अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना है और 60 से लेकर 70,000 तक का ऐसा कुछ बजट है आपका, तो ये वीडियो काफ़ी सही रहेगी। इस वीडियो में आपको तमाम ऐसे लैपटॉप बता दूंगा जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक जोन। कल अब शुरू करते हैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले कुछ और बातें मैं आपको बता दूं कि इस प्राइस रेंज में अभी आपको इवन मैकबुक भी मिल सकता है, एयर M1 वाला, तो काफ़ी अच्छी बात है। और जैसा कि फ्रीडम सेल वगैरह भी आने वाली है, तो इनमें से कुछ लैपटॉप हो सकता है आपको 5-6 हज़ार रुपये डिस्काउंट पर मिल जाए, तो उस मामले में भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सिर्फ 6 अगस्त से अभी स्टार्ट होने वाली है फ्रीडम सेल। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 60 और 70 हज़ार में आपका गोल क्या होना चाहिए लैपटॉप खरीदने का। सबसे पहली बात तो आपको जैसे ना कोई भी प्रोफेशनल वर्क के लिए ही खरीदना है, अब आप बिगिनर फ्रेंडली टाइप के नहीं हो। आपको इस बजट में ऐसा लैपटॉप चाहिए होगा जिसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिले, कोडिंग हो जानी चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग हो जानी चाहिए, इवन वीडियो एडिटिंग भी हो जानी चाहिए। तो ऐसा कुछ आपको अगर गोल है तो आपको इसी बजट में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप की वीडियोस मैंने अलग बना के रखी है, आप जिसे जाके चेक कर सकते हो। जितने भी लैपटॉप मैं बता रहा हूँ सभी का लिंक वैसे तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन आप वीडियो पूरा अंत तक देखना, तभी आप समझ पाओगे कि आपके लिए कौन सा सबसे सही रहेगा और क्या वैल्यू फॉर मनी है भी कि नहीं है। क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको एक कंपैरिजन एक दिखा सकूं कि मतलब हाँ, इस लैपटॉप में देखो ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग आसान बन सकती है। और आपको इवन मान लो कुछ ऐसा लैपटॉप पसंद आ गया जो लिस्ट में नहीं भी है, तो भी आप एटलीस्ट एक कंपैरिजन तो देख ही सकते हो कि हाँ, ये लैपटॉप आपके लिए सही है, इस स्पेसिफिकेशन में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहला लैपटॉप अगर आपको आज की डेट में कोई अल्ट्रा बुक खरीदना है, 13 इंच का लैपटॉप, छोटा सा लैपटॉप खरीदना है, तो एप्पल मैकबुक एयर आप आग बंद करके खरीद लो। इस लैपटॉप में आपको सब कुछ मिल जाता है और अभी सिर्फ 72,000 पे मिल रहा है। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आपको एक एप्पल के ब्रांड की तरफ से लैपटॉप चाहिए तो डेफिनेटली स्टिल दिस लैपटॉप इज़ वन गुड टू गो विथ। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि सिर्फ आपको स्टोरेज जो है ना 256 GB वाला ही वेरिएंट मिलेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा नहीं चाहिए तभी ये खरीदना, नहीं तो अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, अब सोचो कि आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो आपको फिर एडिशनल SSD वगैरह पे अलग खर्चा करना पड़ेगा। वैसे ये वीडियो एडिटिंग कर देता है, काफ़ी अच्छी कर देता है, इवन 4K तक की। तो एनीवेज अब वो आपकी चॉइस हो सकती है, उस हिसाब से सोच लेना कि SSD के लिए आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बाकी सब कुछ अच्छा है, एक बढ़िया सा डिस्प्ले है और आपको एवरीडे यूज़ के लिए भी काफ़ी सही है क्योंकि बहुत ही पतला है। प्लस साथ में आपको एक्सटेंशन भी खरीदना पड़ सकता है क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्ट्स, यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप C हैं और 1 टाइप C उधर है। अगला जो लैपटॉप मैं बताना चाहता हूँ ये है लिनोवो की तरफ से, ऑलमोस्ट 70,000 के बजट का है। तो ये जो है ना काफ़ी सही लैपटॉप है, 14 इंच की ही कैटेगरी का है, लिनोवो आइडियापैड स्लिम 5। इसमें लगा हुआ है इंटेल का कोर i5 13420H प्रोसेसर लगा है, तो काफ़ी अच्छा तगड़ा सा प्रोसेसर है। 4.6 GHz तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, 8 कोर होते हैं तो काफ़ी बढ़िया, 4 कोर पावर वाले होते हैं, 4 कोर एफिशिएंसी वाले। इसका एक एडवांटेज है कि इसमें आपको एक OLED डिस्प्ले मिलता है 400 nits की ब्राइटनेस वाला और 16 GB की रैम, 512 GB की SSD भी मिलती है। विंडोज 11 और MS Office प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है, तो वहाँ भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इस लैपटॉप में आपको वो सब कुछ मिलता है जो चाहिए, एक बढ़िया सा परफॉर्मेंस भी। एडवांटेज की बात ये भी है कि 100% की DCI-P3 कलर गैमट भी इस लैपटॉप में प्रोवाइड की गई है, तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। डेफिनेटली अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग जैसा कुछ करना है तो ये लैपटॉप आप खरीद सकते हो। वीडियो एडिटिंग भी Full HD तक आराम से हैंडल करेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रेंडरिंग थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि रेंडरिंग अक्सर ग्राफिक कार्ड से ज़्यादा बेटर होती है, तो डेडिकेटेड ग्राफिक तो इसमें है नहीं, इंटीग्रेटेड वाला ही है। अगला जो लैपटॉप मैं बताना चाहता हूँ ये भी 14 इंच की कैटेगरी में और ये 60,000 के बजट में है। तो एक 70,000 के बजट में भी आपको एक लिनोवो का लैपटॉप खरीदना है तो आप ये खरीद सकते हो, और अगर 60,000 में कुछ खरीदना है तो लिनोवो का ये वाला खरीद सकते हो, लिनोवो आइडियापैड स्लिम 5। लेकिन ये राइजन 5 वाला है 7530U के साथ में आने वाला, इसमें भी जो है ना डिस्प्ले काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया गया, इसलिए मैंने इसको लिस्ट में रखा है। आपको एक बेहतरीन डिस्प्ले पे फोकस करना चाहिए और इस बजट रेंज में 60 या 70 के जैसे ही आप जाते हो डिस्प्ले पे आपको कंप्रोमाइज़ कुछ खास नहीं करना चाहिए। कम से कम IPS तो होना ही चाहिए, लेकिन OLED मिल रहा हो तो और भी अच्छी बात है। तो इसमें OLED डिस्प्ले मिल जाता है आपको, साथ में 16 GB की रैम और 1 TB की आपको स्टोरेज भी मिल जाती है SSD वाली, काफ़ी अच्छी सी है बात ये। विंडोज 11 ऑफिस 2021 का भी यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, बाकी इस लैपटॉप में और कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। और अच्छी बात कि यहाँ पर आपको एक 56 वाट आवर तक की बैटरी कैपेसिटी भी प्रोवाइड कर दी गई, तो इस लैपटॉप की बैटरी वगैरह भी काफी सही है। एक कमी जो इस लैपटॉप में मुझे दिखाई देती है वो इसका प्रोसेसर, इसका प्रोसेसर थोड़ा अंडर पावर है इस बजट के हिसाब से। तो अगर आपको जैसे ना ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे फोटोशॉप वगैरह आराम से हैंडल करेगा, नो इश्यूज एट ऑल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बस अगर आपको थोड़ी अगर वीडियो एडिटिंग करनी पड़ गई तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत करेगा।
और प्लस अगर आपको कोडिंग करनी है तो डेफिनेटली राइजन वाले लैपटॉप थोड़े अवॉइड कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 14 इंच की कैटेगरी में 60,000 मुझे एक और भी लैपटॉप काफी सही लगा, वो है एसर का स्विफ्ट गो 14। ये जो है इंटेल ईवो सर्टिफाइड भी है और इसमें ओएलईडी डिस्प्ले भी मिलता है आपको 60,000 रुपये में। काफ़ी शानदार सा लैपटॉप है इस प्राइस के हिसाब से। इंटेल का कोर i5 13500H लगा हुआ है तो एक बढ़िया सा प्रोसेसर मिलता है आपको इस प्राइस रेंज में। ये बहुत ही सही बैलेंस साइज स्पेसिफिकेशन है। 16GB की रैम, 512GB की SSD है। 14 इंच के हिसाब से ये लैपटॉप काफी हल्का है और इसमें आपको विंडोज 11 MS Office का भी सपोर्ट मिल जाता है। वैसे एक तरह से देखा जाए तो ये लैपटॉप सबसे ज्यादा फीचर पैक्ड है और साथ में जैसा कि इंटेल ईवो सर्टिफाइड भी है और आपको सिर्फ 60,000 में मिल रहा है। 90Hz का रिफ्रेश रेट और DCI-P3 कलर गैमट भी इस लैपटॉप में दिया गया है। देयर इज नो अदर लैपटॉप मतलब इस प्राइस रेंज में एसर के इस लैपटॉप के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा फीचर पैक लैपटॉप है। तो ये आपको 60,000 में एक लैपटॉप खरीदना है, आँख बंद करके आप ये वाला खरीद सकते हो। एसर की जो ब्रांड सर्विस रिलायबिलिटी थोड़ी सी मतलब बाकी लैपटॉप के ब्रांड के कंपैरिजन में थोड़ी कम अच्छी है, ये बात ध्यान में रखना। तो एसर का सर्विस सेंटर पहले अपने आसपास देख लेना, उसके बाद ही खरीदना। अगला लैपटॉप मुझे आपको बताना चाहता हूँ, अब यहाँ से 15 इंच के लैपटॉप में बता रहा हूँ। तो ये है Asus का Vivobook 15 और ये भी OLED डिस्प्ले के साथ में आता है। Intel का Core i5 1335U वाला प्रोसेसर लगा है तो एक लेटेस्ट सा प्रोसेसर भी इसमें मिल जाता है आपको। साथ में यहाँ पर एक OLED डिस्प्ले ऑफकोर्स यहाँ भी है। Asus ने काफ़ी अच्छे बजट में आपको OLED डिस्प्ले इस लैपटॉप में प्रोवाइड कर दिया गया है सिर्फ 62,000 रुपीज़ में और साथ में एक अच्छे से प्रोसेसर के साथ में लेटेस्ट वाले जो 1335U है। ये IdeaPad Slim 5 के 7530U से ज़्यादा अच्छा है, कहीं ज़्यादा अच्छा है। मतलब आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 कोर्स मिल जाते हैं, 4.6GHz तक की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मिल जाती है और प्लस इसमें जेन 4 की SSD भी है, 16GB की रैम भी है लेकिन DDR5 नहीं, DDR4 है, 3200MHz ओनली। और ये लैपटॉप जो है ना आपके लिए काफ़ी सही रहेगा अगर आपको नॉर्मल टास्क वगैरह करने होते हैं। इसमें भी आप ग्राफिक डिज़ाइन, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप ये सब कुछ आराम से चला पाओगे। कोडिंग के लिए भी काफ़ी सही रहेगा क्योंकि ये यू सीरीज़ का प्रोसेसर है। जैसे कि मैं अपना ये जो डेल का लैपटॉप है काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, अभी ऑफिस का है, i7 13th generation यू सीरीज़ का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है और इसमें जैसे कि मैं काफ़ी ज़्यादा IDEs वगैरह चलाता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह, तो उस मामले में काफ़ी सही है। तो आपको ये वाला लैपटॉप अगर कोडिंग के लिए खरीदना है तो Asus का ये लैपटॉप काफ़ी सही रहेगा इस बजट के हिसाब से। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर बजट बहुत ही कम है तो आप Honor का MagicBook X16 खरीद सकते हो, 60,000 से नीचे के बजट में आपको मिल जाएगा और इसमें आपको i5 13420H सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है तो इसमें आप काफ़ी काम कर पाओगे। बस प्रॉब्लम हो सकता है इतना सा हो कि आपको ऑनर थोड़ा रिलायबल ना लग रहा हो। 16GB की रैम, 512GB की अच्छी सी SSD इसमें भी मिल जाती है लेकिन इसमें आपको डिस्प्ले सिर्फ IPS मिलता है, ऐसा कुछ OLED टाइप का डिस्प्ले यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया गया है तो उतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। लेकिन इसका भी डिस्प्ले काफ़ी अच्छा और साथ में ये एक मेटेलिक बॉडी का लैपटॉप है, दिखने वगैरह में काफ़ी अच्छा सा दिखाई देता है। 65W का चार्जर भी मिलता है और 60W की बैटरी कैपेसिटी भी मिलती है। अब क्योंकि इसमें H सीरीज़ का प्रोसेसर है और बैटरी थोड़ी कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसमें भी आपको ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट बैटरी लाइफ मिलेगी जो कि बाकी सारे लैपटॉप मिलती हैं। एप्पल मैकबुक में एक्सेप्शनल बैटरी लाइफ मिलेगी, उसको हम विंडोज़ लैपटॉप से कंपेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि वो M1 सीरीज़ के लैपटॉप हैं। जो भी एप्पल सिलिकॉन चिप वाले लैपटॉप्स होंगे उनका आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है जिसकी वजह से बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलती है। अब विंडोज़ में भी कुछ लैपटॉप ऐसे आते हैं लेकिन अभी 60-70 हज़ार के बजट में वो जो है ना NPU टाइप के लैपटॉप्स उतने नहीं है मार्केट में, लेकिन उनकी भी वीडियो जल्द ही चैनल पे आ जाएगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है Asus का Vivobook Pro 15 OLED। अगर आपको जैसे ना सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर इवन कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क करने हैं, चाहे आपको गेमिंग भी करनी है और प्लस आपको साथ में चाहिए एक हल्का सा लैपटॉप जो पतला हो, तो ये लैपटॉप खरीदना काफ़ी सही रहेगा। 65,000 का बजट है, आप इस लैपटॉप को खरीद लो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। राइजन 5 5600H मिलता है, इसका भी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 4.2GHz है लेकिन इसकी जो एडवांटेज वाली बात है ना, 4GB का RTX 3050 डेडिकेटेड ग्राफिक NVIDIA का, वो काफ़ी बढ़िया सी बात हो जाएगी। 16GB की रैम, 512GB की SSD भी मिल जाती है और ये क्रिएटर सीरीज़ का लैपटॉप है। आपको इस लैपटॉप में 100% DCI-P3 कलर गैमट भी मिल जाता है जिसकी वजह से आपको एक्यूरेट कलर दिखाई देंगे, तो वीडियो एडिटिंग करते वक्त अगर आपको थोड़ा जैसे कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी है तो उसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे। लेकिन एक और भी बात ध्यान रखना कि इसको आप चाहो कि अगर आप खरीद सकते हो मशीन लर्निंग के लिए, जैसे कि उसमें भी डेडिकेटेड ग्राफिक की ज़रूरत होती है, तो मत खरीदना क्योंकि इसमें राइजन है। इसी का एक मॉडल आता है जो आपको इंटेल प्रोसेसर के साथ में मिल जाएगा, उसे खरीद लेना, वो लेकिन प्राइस उसका ज़्यादा पड़ जाएगा, आपको 70-75,000 पे जाना पड़ेगा। तो आपको अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग ऐसा कुछ टास्क करना है तो डेफिनेटली गो फॉर राइजन वाला प्रोसेसर।
अगर कोडिंग या फिर मशीन लर्निंग टाइप कुछ करना है तो इंटेल वाले प्रोसेसर पे जाना पड़ेगा आपको। अगला लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका व्यूबुक 15। अगर आपको थोड़ी कोडिंग अच्छे से करनी है, मशीन लर्निंग भी करनी है, मतलब उसमें भी काम चल जाएगा इसमें, क्योंकि ये i7 है, 12 जनरेशन का प्रोसेसर है ये, इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा कम है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो अगर आप कोई भी लैपटॉप अपने लिए ढूंढ रहे हो, तो ये बातें ध्यान में रख के ढूंढना कि जैसे कि हो सकता है आपको पुराने जनरेशन, लेकिन पुराने का मतलब ये नहीं कि अभी 11th जनरेशन के लैपटॉप खरीदो, आपको सिर्फ और सिर्फ 13th के बजाय 12th पे जा सकते हो। और अभी 14th जनरेशन के लैपटॉप भी आने वाले हैं मार्केट में, और इंटेल कोर अल्ट्रा वाले सीरीज के लैपटॉप सभी आ ही गए हैं, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली वो सब काफ़ी महंगे हैं, 80,000-90,000 के बजट में जा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन यही है, अगर आपको 60-70 में लेना है तो फिर हो सकता है आपको कुछ चीज़ों पे कम्प्रोमाइज़ करके, जैसे कि 12 जनरेशन पे आप खरीद सकते हो, तो उस हिसाब से इसे आप खरीदते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें i7 मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया सा प्रोसेसर है, 4.7 GHz तक की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है, और साथ में 6 पावर कोर और 8 एफिशिएंसी कोर, मतलब टोटल 14 कोर होते हैं इसमें। तो उस हिसाब से 65,000 में बेहतरीन डील का लैपटॉप है, और इसमें आपको एक बढ़िया सा डिस्प्ले वगैरह भी मिल जाता है IPS लेवल का, इसमें कोई OLED डिस्प्ले नहीं है। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर मान लो Asus वगैरह नहीं लेना है, आपको सिर्फ Dell खरीदना है, तो ये लैपटॉप बड़ा सही है इस समय, Dell का Inspiron 5630। इसमें आपको बैटरी लाइफ भी अच्छी मिलेगी, और साथ में परफॉर्मेंस पे भी ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं करना होगा, क्योंकि यह पी सीरीज का प्रोसेसर i5 1340p में आपको 4.6 GHz तक की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मिलती है और 12 कोर मिल जाते हैं। तो ये जो है ना यू सीरीज से थोड़ा बेटर है, इसमें आपको ज्यादा अच्छे पावर कोर्स मिल जाते हैं कंपेयर टू यू सीरीज के, और साथ में 16GB की एक DDR5 रैम भी लगाई गई है, WVA डिस्प्ले, 215 nits का बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, ये सब कुछ दिया गया है, और साथ में विंडोज 11 एमएस ऑफिस भी आता है। थोड़ा सा हैवी है लैपटॉप कंपेयर टू मतलब 16 इंच का, लेकिन ठीक है, मतलब डेल की तरफ से आपको एक बढ़िया सी बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी फैक्टर भी इस लैपटॉप में मिल जाता है। और अगला एक फाइनल लैपटॉप जो मैं बताना चाहूंगा, ये भी ऑलमोस्ट सेम बजट में है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये वाला खरीदें या Asus का व्यूबुक 15 खरीदें, तो आपकी च्वाइस हो सकती है, अपने हिसाब से आप देख लेना, क्योंकि ये i7 12700H है और ये है i7 13620H। इसमें जो लेनोवो में आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि थोड़ा ये लाइट वेट फैक्टर का डिज़ाइन है, तो 1.6 kg का ही वेट है डिस्पाइट बिंग 15 इंच का लैपटॉप, और इसमें जो डिस्प्ले मिलता है वो भी एक IPS डिस्प्ले 300 nits, तो ये ज़्यादा बेटर डिस्प्ले भी है, 16GB की रैम, 512GB की SSD, विंडोज 11, MS ऑफिस, वो सब कुछ आपको मिलता है, लेकिन LPDDR5 रैम मिलती है 4800 MHz वाली, तो उस हिसाब से भी ये ज़्यादा सही है। और यहाँ पर जो बैटरी कैपेसिटी है ये थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन आपको इफेक्टिवली जो बैटरी लाइफ मिलने वाली है ऑलमोस्ट क्लोज टू सेम मिलने वाली है। तो फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है, सभी लैपटॉप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके चेक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बेस्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।